बीजेपी का गढ़ नहीं, मेरा गढ़ है। वो बीजेपी वाले ने अभी तक इसको गुमराह करके रखा था। ये हकीकत में लोग जागरूक हो चुके हैं, ये मेरा गढ़ है। वो चाहा मैं बीजेपी को हरवाने के बाद अभी भी किला छीनने का प्लान है? निश्चित तौर पे सारे किला छीना जाएगा, क्योंकि वो किला पहले से ही हमारा है, इसलिए वो सारे किला को हम लोग वापस। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं है ना। आगे का विचार? आगे का राजनीति हम लोग दमखम से लड़ेंगे, बीजेपी को यहाँ से उखाड़ कर फेंकेंगे। संजय जायसवाल लड़े और लड़ कर दिखा दें, फिर भी एक वोट नहीं मिला उसको, उनका जमानत जब्त करा देंगे हम लोग। दुनिया को हम लोग ने बनाया है, ये दुनिया जो है बिन मला अनुनिया की है। दू आना में दुनिया, चौदह आना में बिन मला अनुनिया। हम ही लोग, हमारे समाज, हमारे समुदाय के लोग बीजेपी को बढ़ाया था। हम ही लोग राम के जैसे पार लगाए थे, अब बीच में नदी में डुबो देंगे। बीजेपी का गढ़ नहीं, मेरा गढ़ है। बीजेपी वाले ने अभी तक इसको गुमराह करके रखा था। ये हकीकत में लोग जागरूक हो चुके हैं, ये मेरा गढ़ है। वो चाहा मैं बीजेपी को हरवाने के बाद अभी भी किला छीनने का प्लान है? निश्चित तौर पे सारे किला छीना जाएगा, क्योंकि वो किला पहले से ही हमारा है, इसलिए वो सारे किला को हम लोग वापस। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं है ना। आगे का विचार? आगे का राजनीति हम लोग दमखम से लड़ेंगे, बीजेपी को यहाँ से उखाड़ कर फेंकेंगे। संजय जायसवाल लड़े और लड़ कर दिखा दें, फिर भी एक वोट नहीं मिला उनका जमानत जब्त करा देंगे हम लोग। दुनिया को हम लोग ने बनाया है, ये दुनिया जो है बिन मला अनुनिया की है। दू आना में दुनिया, चौदह बिन मला अनुनिया। हम ही लोग, हमारे समाज, हमारे समुदाय के लोग बीजेपी को बढ़ाया था। हम ही लोग राम के जैसे पार लगाए थे, अब बीच में नदी में डुबो देंगे। कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा सुहावना है, सुहावना है। लेकिन आगे का राजनीति? आगे का राजनीति हम लोग दमखम से लड़ेंगे, बीजेपी को यहाँ से उखाड़ कर फेंकेंगे। अभी अभी बीजेपी छोड़ के ही आए हैं मुकेश सहनी, बीजेपी में थे तो संजय जायसवाल जो यहाँ के लोकसभा के सदस्य हैं, खूब आरोप लगाए कि मल्लाहों को धोखा दिए हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, एक निषाद वंश का औलाद हूँ, चैलेंज करता हूँ कि पूरे बिहार में कहीं से भी संजय निषाद लड़े, क्या बोलते हैं, संजय जायसवाल लड़े और लड़ कर दिखा दें, फिर भी एक वोट नहीं मिला उसको, उनका जमानत जब्त करा देंगे हम लोग। अरे तो अभी करके देखिए, हमारे साथ जो ऐसा अन्याय किया है उसका बदला हम लोग दमखम कर देंगे। बोचहा उदाहरण है, सिमरी बख्तियारपुर उदाहरण है। अच्छा। जी मंत्री पद से हटाए हैं ना, पार्टी नहीं ना समाप्त हमारा हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम, मतलब कि मंत्री पद गया, विधायक भी गया, बोचहा में हरवा दिए आप लोग, हरवा दिए, लेकिन अब बेतिया आ रहे हैं, क्या विचार है? बेतिया हमारा है, कहने का मतलब ये हुआ, सुनिए, गोप का, सहरसा गोप का, नालंदा कुर्मी का, चंपारण जो है चमार चौहान और चौधरी, ये तो हमारा चंपारण है ना, तो इसलिए हम चंपारण तो हमारा है, हमारे वोट से उनके पिताजी 4 बार सांसद बने, बिन मला अनुनिया के वोट से 3 बार सांसद बने, अभी हमारी माननीय डिप्टी सीएम जो हमारे वोट से डिप्टी सीएम बनी हुई है, ये वोट हट जाएगा, बाजार खत्म हो जाएगा। संजय जायसवाल जी निर्दलीय लड़े थे राजद से, तो 4200 वोट मिला था, जरा अलग हट के भाजपा से, जरा अलग हट इतना वोट आता है, इसीलिए बात छोड़ दीजिए है ना। हम लोग दुनिया को हम लोग ने बनाया है, ये दुनिया जो है बिन मला अनुनिया की है। दू आना में दुनिया, चौदह आना में बिन मला अनुनिया। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। आगे का विचार? क्या विचार है? अरे ये तो मुकेश सहनी तो छुटकारा मिल गया, जो भाजपा में जाता है उसका पाप हो जाता है, उसका पाप से मुक्त हो गया। पहले चिराग भी सटले थे, उनको बंगला छीना गया, मुकेश सहनी सटे हो गया। अरे भाई सबको मिलेगा, भाजपा के पास है क्या? जो दंगाई पार्टी है, जो हिंदू मुस्लिम में दंगा कराती है और वोट के लिए कुछ कोई कुकर्म करने के लिए तैयार है, ऐसा हम लोग काम नहीं। नेता कौन? मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी को जिंदाबाद। अरे इंडिया अति पिछड़ा का तो असली नेता जो है मुकेश सहनी है, पूरे हिंदुस्तान का, वो तो नकली अति पिछड़ा बना हुआ है, जो कभी जो है दुनिया
था, कभी दूसरा समाज में थे, बाद में अति पिछड़ा में चले आए, अब कहिएगा कि तेली भी अति पिछड़ा है, कहिएगा कानू भी अति पिछड़ा है, अरे उसको डाल दिया वोट के लिए, हर बड़ी मछली क्या हो गई, छोटी मछली को खा गई, जो कर्पूरी ठाकुर के अति पिछड़ों को मोदी का अति पिछड़ा खा गया। तो आपके हक की भी एगो मांग करते हैं, आरक्षण का बड़ा मुद्दा लेके घूम रहे हैं। हाँ, कहाँ दिए हैं, कहानी तो लेके घूम रहे, घूम रहे थे, हमारे नेता है, मांग रहे हैं, आपने थारू को आरक्षण दिया, उरांव को आरक्षण दिया, झारखंड में आरक्षण दिया, 10% सवर्णों को आरक्षण दिया, बाली बैरी सुगरी प्यारा कर्ण कारण कौन नाथ मोई मारा, यही नरेंद्र मोदी सबको आरक्षण देते हैं, राम मंदिर बनाते हैं, 370 धारा हटाते हैं, लोक मतलब संयुक्त अधिवेशन बुलाकर दुनिया का सारा काम करते हैं, पिन मल्लाह अनुनिया को आरक्षण देने के लिए समय नहीं है, फाइल न समय नहीं है। 2020 विधानसभा चुनाव तेजस्वी से धोखा खाए और अब जाके बीजेपी से धोखा खाए, तो अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? अरे हम अपना जब हम कहाँ जाएंगे, हम तो अपना सियान, बोले पहले बात सुनिए ना, आपसे तेज हम है ना, बोले सुनिए, जब द्रोणाचार्य ने हमको नहीं पढ़ाया, कहा कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं, मेरा अंगूठा काट दिया और सम्मुख ऋषि का वध कर दिया राम ने, तो हमने अपना यूनिवर्सिटी नहीं खोला क्या, यूनिवर्सिटी खोलकर हमने विश्व का सबसे बड़ा धनुधर नहीं बने क्या, लेकिन फिर भी धोखा से मेरा अंगूठा काट लिया, धोखा से कोई काटने वाला नहीं, उस जमाना चला गया, अब हमको मुकेश सहनी जैसा जो है नेता मिल गया, गोरख चौहान जैसा जो है एडवाइजर मिल गया, मेरा अंगूठा कटेगा ना मेरा गर्दन कटेगा, अब हमारी नैया जो है अब की बार नैया पार। मुकेश सहनी जिंदाबाद। रविंदर सहनी, हम मुकेश जी तो आ रहे हैं, ठीक है, बेतिया पहुंच रहे हैं, संजय जायसवाल का गढ़ कहा जाता है, क्या विचार 2024 निशाने पे? एकदम निशाने पर है सर, ये नहीं टूटेगा, अब देखते हैं ना हुजूम, ये कभी नहीं टूटेगा, ये सब लोग उनके साथ रहेंगे, ये कहीं नहीं, सब लोग साथ रहेंगे, सब धोखाबाजी देख लिए हैं, हम सब देख लिए हैं, यहाँ गए तो वहाँ नहीं, यहाँ गए तो वहाँ नहीं, ये लोग सब धोखाबाजी करते हैं, जो पिछड़ी का बेटा आगे बढ़े नहीं, ये लोग तो चाहते हैं जो पिछड़ी का बेटा आगे नहीं बढ़े, इसी रोड से वोट से सब लोग राज, हाँ इसी वोट से सब लोग राज करते हैं। चलिए तो देखिए, मुकेश सहनी की भी गाड़ी जो है, वो काफिला जो है, वो अब धीरे धीरे पहुँच रहा है, आप देखिएगा यहाँ पर आपको नजर आएंगे मुकेश सहनी, ये तमाम नारेबाजी आप सुनाई देगी आपको, मुकेश सहनी जो कि आज बेतिया में अपने वीआईपी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करने यहाँ पहुँच रहे हैं, और एक बड़ा हुजूम उनके स्वागत के लिए यहाँ पर, उनके समर्थकों का हुजूम आपको नजर आएंगे, मुकेश सहनी जिंदाबाद के नारों के साथ ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हैं लगातार। मुकेश जी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के गढ़ में आए हैं, और ये भीड़ देखकर ये बीजेपी का गढ़ नहीं है, मेरा गढ़ है, वो बीजेपी वाले ने अभी तक इसको गुमराह करके रखा था, ये हकीकत में लोग जागरूक हो चुके हैं, ये मेरा गढ़ है, आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो चाहा मैं बीजेपी को हरवाने के बाद अभी भी किला छीनने का प्लान? निश्चित तौर पे सारे किला छीना जाएगा, क्योंकि वो किला पहले से ही हमारा है, इसलिए वो सारे किला को हम लोग वापस लेंगे। समर्थकों का ये भीड़ देखकर क्या लगता है? बहुत खुशी है, सब अपने लोग, अपने जितने भी लोग हैं, सब हमारे परिवार के लोग हैं, भाई है, सारे अपने लोग हैं, उसके बीच में आए तो उनको भी खुशी है और हमको भी खुशी है। ये थे मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो, आपको नजर आएंगे तमाम जो भी नजर आएंगे, किस प्रकार की यहाँ पर माहौल है वो देख सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको भीड़ दिखाई दे।